और आइए अब शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर लगातार झूठ बोल रहे पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा सबूत IBN7 के हाथ लगा है। पीओके के मीरपुर में पाकिस्तान पुलिस के SP गुलाम अकबर ने IBN7 से यह माना है कि पिछले हफ्ते सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। साथ ही SP गुलाम अकबर ने दावा किया कि 12 लोग सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए थे। IBN7 संवाददाता मनोज गुप्ता ने गुलाम अकबर से बातचीत IG बनकर की थी। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार शाहजेब जिलानी ने भी IBN7 पर यह पुष्टि की है कि SP गुलाम अकबर नाम का शख्स पीओके में तैनात है। इस बड़े खुलासे के बाद एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। देसी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया है कि पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकियों की लाशें ट्रकों में भरकर ले जाई गई। अखबार के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के अगले दिन 29 सितंबर को तड़के 5 से 6 लाशों को अज्ञात जगह पर ले जाकर दफनाया गया। इतना ही नहीं, मौके से सारे सबूत मिटा दिए गए जिससे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में लोगों को पता न चल पाए। पीओके में LOC के पास रहने वाले 5 लोगों से बातचीत के आधार पर अखबार ने यह खुलासा किया। पीओके में रहने वाले 2 चश्मदीदों ने सर्जिकल स्ट्राइक को करीब से महसूस करने की बात कही। लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह होने का भी दावा किया है। लोगों ने गोलीबारी की आवाजें भी सुनी। दौरान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक बार फिर तीनों सेना अध्यक्षों के साथ में बैठक की। सूत्रों के अनुसार बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। दरअसल भारत मौजूदा हालात को और खराब नहीं करना चाहता, लेकिन किसी भी अनचाही स्थिति से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारी भी चाहता है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर हो रही बयानबाजी के बीच केजरीवाल और संजय निरुपम पर हमने लगातार जारी है। बीजेपी नेता RK सिंह का कहना है कि ये बहुत शर्म की बात है जो लोग भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी नेता विनय कटियार ने यहां तक कह दिया कि केजरीवाल की पाकिस्तान से सांठगांठ है। बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने केजरीवाल और संजय निरुपम को जयचंद बताया। बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल ने केजरीवाल के बयान पर नाराजगी जाहिर की। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी के नेता पाकिस्तान का अखबार पढ़ते हैं और इसीलिए नफरत की राजनीति करते हैं। वहीं केजरीवाल सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने भी सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया है। कपिल मिश्रा ने सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक उड़ाते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान को टीवी में हरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बढ़ बढ़कर बोलने वाले नेताओं और मंत्रियों को चेता दिया है। इधर PM ने पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया है कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर अधिकृत शख्स ही बयान दे, हर मंत्री या नेता इस बात पर ना बोले। प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई CCS की बैठक में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत सार्वजनिक करने को लेकर चर्चा भी की गई। कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि जो भी पार्टी नेता सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर्जिकल स्ट्राइक पर सोनिया गांधी के समर्थन के बावजूद कुछ कांग्रेस नेताओं के सवाल उठाने से पार्टी आलाकमान नाराज है। वहीं कानपुर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लोगों ने नारे लगाए। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। शिवसेना ने वाराणसी से विवादास्पद पोस्टर लगाया है जिसमें मोदी को राम और केजरीवाल को मेघनाथ के तौर पर दिखाया गया। इस पोस्टर में नवाज शरीफ को रावण बताया गया है। मुजफ्फरनगर में BJP के नाम से लगाए गए पोस्टर्स में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए फिल्मी डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है। लखनऊ में भी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सरकार की तारीफ करते हुए पोस्टर्स लगाए गए हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की पोस्टर पॉलिटिक्स को सैनिकों का अपमान बताया है। यूपी के आगरा, इलाहाबाद और दूसरी जगहों पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ करते हुए बीजेपी की तरफ से पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संसद के संयुक्त सत्र में भारत के खिलाफ जहर उगला। अपने भाषण में नवाज ने झूठ बोलते हुए 28 सितंबर को हुई सर्जिकल स्ट्राइक से साफ इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, नवाज शरीफ ने इस सत्र में एक बार फिर कश्मीर राग अलापा और आतंकी बुरहान वानी को शहीद बता दिया। नवाज ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के हक के लिए हर मुमकिन मदद को तैयार है। नवाज ने दावा किया कि वो भारत के साथ बातचीत करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहने से नहीं चूके कि उनका देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है।
नवाज ने उरी हमले के लिए भारत पर बिना सबूत के आरोप लगाने की बात कहते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच कराने की मांग की। पंजाब के गुरदासपुर में सरहद के पास चाकावली गांव में हथियारों से लैस काले रंग की वर्दी में तीन संदिग्ध नजर आए। मामले की सूचना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। गुजरात के क्रीक में बीएसएफ ने एक और पाकिस्तानी नाव पकड़ी है। इस नाव में 9 लोग सवार थे जिनसे पूछताछ जारी है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से राजौरी में तेज हुई फायरिंग ने यहां के बाशिंदों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अखनूर में लोग अपने घरों को छोड़कर रिश्तेदारों के यहां शरण लेने को मजबूर हैं। पाकिस्तान की ओर से बुधवार को फिर पुंछ के शाहपुर सब्जिया मेंढर इलाके में फायरिंग की गई। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से पिछले 48 घंटों में करीब 10 बार सीज़फ़ायर का उल्लंघन किया गया। पाक की तरफ से नौशहरा सेक्टर में पिछले 3 दिनों से फायरिंग लगातार जारी है, खासकर पाक की तरफ से सिविलियन इलाके को टारगेट किया जा रहा है। शोपिया में पीडीपी एमएलए मोहम्मद यूसुफ के घर पर संदिग्धों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच में गृहमंत्री राजनाथ सिंह जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे और इस दौरान बीएसएफ ने इलाके में तैनाती बढ़ा दी है। उधर पंजाब के मोहाली में अकाली दल ने तिरंगा बुलंद मार्च निकालकर पाकिस्तान को घेरा। उधर गांव को चुनावी वजहों से खाली कराने के आरोपों को अकाली दल ने बेबुनियाद बताया। इससे पहले कुछ विपक्षी दलों ने सरहद से सटे गांव को खाली करवाए जाने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे। दादरी के अखलाक मर्डर केस के आरोपी रवि की अस्पताल में मौत के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उधर तनावपूर्ण माहौल में रवि का शव अपने गांव पहुंच चुका है, जहां आज उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। रवि के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसकी मौत पुलिस की पिटाई से हुई है, जबकि जेल प्रशासन के अनुसार किडनी फेल होने की वजह से रवि की मौत हुई। बिसारा के गुस्साए गांव वालों ने प्रदर्शन कर अखलाक के छोटे भाई जान मोहम्मद की गिरफ्तारी की मांग की है। रवि की मौत के बाद तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने गांव में फोर्स तैनात कर दी। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि रॉबिन की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए और परिवार को आर्थिक मदद, साथ ही जेलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और बाकी आरोपियों को जेल से रिहा किया जाए। इधर पाकिस्तानी कलाकारों के मुद्दे पर IBN7 से बात करते हुए अभिनेता अनुपम खेर ने यह कहा कि उन्हें बैन नहीं करना चाहिए, लेकिन यह होना चाहिए कि वो यहां आने वाले आतंकी घटनाओं की भी निंदा करें। अनुपम खेर ने ओमपुरी के बयान पर भी दुख जताया, जिसमें ओमपुरी ने कहा था कि जवान से किसने कहा था कि वो सेना में भर्ती हो और बंदूक उठाए। सलमान खान के पाकिस्तान कलाकारों पर दिए गए बयान के बाद क्रिकेटर इरफान पठान ने यह कहा है कि चाहे खिलाड़ी हो या कलाकार, सभी के लिए देश सबसे पहले आता है। इरफान पठान ने कहा कि देश की सरकार ने यह तय किया है कि उन्हें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है और देश की जनता की भावना इसके साथ जुड़ी हुई है, तो ऐसे में वो सरकार के फैसले और जनता की भावना का सम्मान करते हैं। मुजफ्फरनगर में अपने पैतृक गांव बुढ़ाना पहुंचे फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रामलीला में मारिच का किरदार निभाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। दरअसल नवाजुद्दीन के भाई की पत्नी के मारपीट के आरोपों के बाद शिवसेना के विरोध के चलते नवाजुद्दीन ने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में 3 बच्चों की मौत के बाद बुधवार को आक्रोशित लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। पूर्व सांसद प्रदीप मांझी बच्चों का शव लेकर धरने पर बैठ गए। मांझी ने मुआवजे के साथ पीड़ितों को एम्स भुवनेश्वर भेजने की मांग रखी। बता दें कि 27 दिनों में जापानी इंफ्लुएंजा की 32 बच्चों की मौत हो चुकी है और बीते 24 घंटे में ही इस बीमारी से 3 बच्चों की मौत हो गई। बेहतर इलाज न मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बुधवार को एलजी हाउस पर डेंगू चिकनगुनिया को लेकर एक अहम बैठक हुई। बैठक में सभी विभागों को एक साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए। एलजी की अगुवाई में हुई इस बैठक में सीएम केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ केंद्र और दिल्ली की सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। एमसीडी को भी डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर एहतियात बरतने को कहा गया है। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के बीच अस्पतालों ने मरीजों को हर सुविधा मुहैया करवाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। यूपी के चुनावों के मद्देनजर किसान यात्रा पर निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज यूपी के किसानों की मांग को लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी पिछले 26 दिनों से किसान यात्रा पर हैं। राहुल गांधी ने 6 सितंबर को देवरिया से इस यात्रा का आगाज किया था।
ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड ट्रिपल तलाक को हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते कोर्ट में अपील करेगा। दिल्ली पुलिस ने करीब 900 स्कूल्स के 10 लाख बच्चों को रोड सेफ्टी के गुर सिखाए। इस अभियान में बच्चों को हेलमेट, सीट बेल्ट के महत्व और साइबर क्राइम के बारे में बताया गया। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने डायल 100 का लोगो और ऐप लॉन्च किया और इस मौके पर सीएम ने मायावती पर निशाना साधते हुए उनकी सरकार को पत्थर की सरकार बता दिया। यूपी दौरे पर आए शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रदेश में 200 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। संजय राउत ने यह कहा कि इस दौरान शिवसेना किसी भी दल से तालमेल नहीं करेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट सकता है। बीएमसी चुनाव से पहले गठबंधन टूटने के संकेत मिले हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने फडणवीस सरकार पर हमला बोला है। सुप्रिया ने कहा कि गद्दी नहीं संभल रही तो इस्तीफा दे दें फडणवीस। मराठा आरक्षण को लेकर फडणवीस सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई और आरक्षण का मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित है। 13 अक्टूबर को सरकार कोर्ट में हलफनामा जमा करेगी। उधर आदर्श घोटाले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है। सीबीआई की रिपोर्ट से असंतुष्टि जताते हुए हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर तक फ्रेश रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। मुंबई और आसपास के इलाकों में मॉनसून खत्म होने के बावजूद बारिश शहर को भिगा रही है। बुधवार को मुंबई में पूरा दिन कभी रुक रुक कर बरसात होती रही। मौसम विभाग ने अभी और बारिश होने की संभावना जताई है। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। बारिश के चलते आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं लोगों के घरों में पानी भर गया है। जम्मू के हिंसा प्रभावित क्षेत्र में शामिल अनंतनाग के जुबैर अहमद इतू ने अलगाववादियों की तमाम कोशिशों के बावजूद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया है। अब जुबैर अहमद ट्रेनिंग के बाद भारतीय सेना में अधिकारी बन जाएंगे। जुबैर अहमद की ये सफलता उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो आए दिन घाटी में हिंसा फैलाते हैं और सेना के जवानों पर पत्थरबाजी करते हैं। चेन्नई में तमिलनाडु किसान संगठन ने कावेरी मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है और संगठन ने केंद्र सरकार से कावेरी मैनेजमेंट कमेटी के तुरंत गठन की मांग की है। एमएसके प्रसाद की अगुवाई में बीसीसीआई की चयन समिति न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी 5 मैचेस के वनडे सीरीज के लिए आज भारतीय टीम का चयन करेगी। 16 अक्टूबर से धर्मशाला में पहला वनडे खेला जाएगा। बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट के भविष्य को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। बीसीसीआई लोढ़ा कमेटी की सभी सिफारिशों को नहीं मानने की जिद पर अड़ी है। आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष एहसान मनी ने पीसीबी से अपील की कि वो भारत में होने वाले क्रिकेट इवेंट का बहिष्कार करें। एहसान मनी जावेद मियादाद पर दिए गए बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के बयान से नाराज हैं। 7 अक्टूबर से भारत में शुरू हो रहे कबड्डी विश्व कप 2016 के लिए पाकिस्तान को न्योता नहीं भेजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया। टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन बनने के बाद सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्विटर हैंडल से टीम इंडिया को बधाई दी जिस पर उनके पुराने जोड़ीदार सहवाग ने रीट्वीट किया। ओ गॉड जी, आप कभी कभी कमेंटेटर्स का भी उत्साह बढ़ा दिया कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। सलमान खान ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक फनी वीडियो पोस्ट किया है जिसमें सलमान शाहरुख और आमिर के डुप्लीकेट्स नजर आ रहे हैं। सलमान ने यह वीडियो पोस्ट करते हुए वीडियो के किरदारों को शाबाशी दी है और तीनों खान की दोस्ती पर चुटकी लेते हुए इन कलाकारों को नसीहत दी है कि बड़े होकर झगड़ा मत करना और किया तो मेकअप कर लेना। धोनी की जिंदगी पर बनी फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। मंगलवार तक फिल्म ने 82 करोड़ 3 लाख रुपए की कमाई कर ली है। बाहुबली के भाई भल्लाल देव का नया लुक सामने आया है। भल्लाल देव यानी कि राणा दग्गुबाती ने बाहुबली द कंक्लूजन में अपने लुक की पहली तस्वीर शेयर की है। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान एक प्यारी सी बिटिया के पिता बन गए हैं। पत्नी सरफ ने लाहौर में बच्ची को जन्म दिया। सोहा अली खान की फिल्म 31 अक्टूबर की रिलीज पर रोक लगाने के लिए दाखिल की गई याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब यह फिल्म 7 अक्टूबर को बिना किसी कट के ही रिलीज होगी।